हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा व्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत सिंपल सा बिजनेस आइडिया देने वाला हूं। यहां पर आपको बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट दोस्तों, एक मैंने पुराना वीडियो बनाया था जहां पर मैंने आपको फूड बिजनेस स्टार्ट करने का एक ऐसा तरीका बताया था जहां पर आपको रोड साइड पर मेहनत ना करनी पड़े। अब बहुत सारे लोगों का, मेरे कुछ फीमेल सब्सक्राइबर्स भी हैं जिनके मेरे पास कमेंट्स आते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम्स आते हैं, जिनका ये कहना होता है कि भैया मुझे शर्म आती है, मैं रोड पर खड़े होकर ना कुछ बेच नहीं सकती या मैं रोड पर खड़े होकर कुछ बना नहीं सकती। सो उनके लिए मैंने अल्टीमेटली वो एक बिजनेस आइडिया बताया था जहां पर मैंने उनको एक तरीका बताया था कि आप कैसे फूड को प्रिपेयर कर रोड साइड पर जाकर आराम के साथ में सेल कर सकते हैं, किस तरीके का कार्ट आपको बनाना होता है और किस तरीके के वार्मर्स को आप यूज कर सकते हैं जो कि आप गैस से ऑपरेट कर अपने खाने को घर पर बनाकर वहां पर रोड साइड में गर्म रख सकते हैं और सेल कर सकते हैं। उस बिजनेस वीडियो पे आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया और आज की वीडियो में मैं उससे भी एक सिंपल आइडिया बताने वाला हूं जहां पर आपको करना कुछ नहीं पड़ेगा। शुरुआत सुबह के 3 से 4 घंटे काम कर आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और ये जो बिजनेस आइडिया है ये उन सभी लोगों के लिए जो एक पार्ट टाइम जॉब की तलाश में या पार्ट टाइम काम की तलाश में या उनका वो कहीं जॉब कर रहे हैं बट उनके पास सुबह 2-3 घंटे होते हैं तो वो इस बिजनेस को कर सकते हैं। या जो भी हाउसवाइफ हैं जो चाहती हैं कि यार मैं सुबह बस चली जाऊं, 2-3 घंटा काम करूं और पूरा दिन मैं फ्री भी रहूं और मेरे पास अच्छे खासे इनकम भी जनरेट हो या मैं कोई एक पार्ट टाइम कुछ कर पाऊं। सो इस वीडियो को आप शुरुआत से लेकर अंत तक देखना। बहुत सिंपल सा बिजनेस मॉडल है, सिंपल तरीके से समझाऊंगा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। बिजनेस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करके भी कर सकते हैं, बहुत कम पैसे से भी कर सकते हैं और दोनों में कोई एश्योरिटी नहीं होती कि कौन सा चलेगा। आप चाहे 10 लाख रुपए लगाकर कोई बिजनेस स्टार्ट करिए, हो सकता है वो ना चले, और हो सकता है आप 1 लाख रुपए लगाकर कोई बिजनेस स्टार्ट करिए, छोटे से कार्ड से करिए और आपको अच्छा रिस्पांस देखने को मिल जाए। सो बजट मैटर नहीं करता और कभी भी किसी की इन बातों पर मत बताना कि अगर तेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है तो तेरे को 25 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए या 35 लाख चाहिए, ऐसा नहीं होता है। जितना आपका बजट है आप बिजनेस भी उसी दिमाग से, उसी लेवल का सोचिए, उसी तरीके का सोचिए। अब आपका बजट है भैया 1 लाख का और आप 10 लाख के बिजनेस को करने के बारे में सोच रहे हैं और कर रहे हैं, लोन लेकर इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर वो नहीं चलता तो आप पजल होते हैं, परेशान होते हैं और फिर आप टूटने लगते हैं। तो इसलिए मैं कहूंगा जितना आपका बजट है उसके अकॉर्डिंग बिजनेस को प्लान करिए। ये जो मैं बिजनेस आज मैं आपको बताने वाला हूं ये बहुत कम पूंजी में आप शुरू कर सकते हैं। करना आपको सिर्फ इतना है, आपको 3 बड़े-बड़े हॉट केस लेने हैं। अब दोस्तों, हॉट केसेस अलग अलग तरीके के आते हैं, अलग अलग साइजेस में आते हैं, बट आपको हॉट केस खरीदते समय एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको कमर्शियल ही खरीदना है। 9 लीटर का आता है, 15 लीटर का आता है, 30 लीटर के भी आते हैं, 48 लीटर का भी आपको मिल जाएगा, इससे बड़े भी मिल जाएंगे, बट आपको देखना है आपको कितना बड़ा साइज की रिक्वायरमेंट है उतना बड़ा आप खरीदो। और आपको कमर्शियल ही खरीदना है, इंडस्ट्रियल यूज के लिए ही हॉटकेस खरीदना है। सो आप जो घर पे यूज होते हैं ना छोटे वाले वो मत ले लेना, इस तरीके का बड़ा कमर्शियल आप ले सकते हो क्योंकि अंदर से बाहर से दोनों से बहुत मजबूत होते हैं। अगर ये आपके हाथ से छूट जाए, गिर जाए, टूटते नहीं है। इनमें टैप भी आता है कि अगर आप कोई ग्रेवी आइटम रखते हैं, कुछ भी रखते हो, तो आप डायरेक्टली टैप से निकाल सकते हैं, आपको बार बार लिड को ओपन नहीं करना पड़ेगा, ढक्कन को बार बार नहीं खोलना पड़ेगा। हाई क्वालिटी के होते हैं और इनमें आप खाने को 12 से 24 घंटे तक गर्म रख सकते हैं, ये जो सबसे अच्छी बात है। तो इसमें आप आराम के साथ में लॉन्ग टाइम तक खड़े होकर प्रोडक्ट को, फूड को बेच सकते हैं। सो आगे वीडियो में बढ़े मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको अच्छे फूड वार्मर कहां से मिलेंगे, कैसे आप खरीद सकते हैं, क्या प्राइस पड़ेगा। इस बिजनेस में बहुत ज्यादा आपका कोई खर्चा नहीं होने वाला, यही मेन एक प्रोडक्ट था, यही एक मेन चीज थी जिसको आपको खरीदना है। बाकी छोटी छोटी चीजें जो मैं आपको वीडियो में साथ के साथ बताता जाऊंगा। अब चलते हैं फटाफट से पूरा बिजनेस मॉडल समझते हैं। ठीक है, सुबह मॉर्निंग में आजकल देखते होंगे लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको जल्दी ऑफिस जाना होता है और वो बिना कुछ खाए चले जाते हैं, या बहुत सारे ऐसे ऑफिसेज हैं जहां पर लंच की सुविधा प्रॉपर नहीं होती और अगर उनको ब्रेकफास्ट कहीं करना भी होता है तो छोटी छोटी जो टपरियां होती हैं वहां पर उनको तला ऐसा, मतलब ऑयली फूड देखने को मिलेगा, अनहाइजीनिक अनहेल्दी फूड देखने को मिलेगा जो कि बहुत सारे लोग खाना पसंद नहीं करते हैं। आजकल बहुत सारे, मतलब मैक्सिमम लोग हेल्थ कॉन्शियस है। तो यहां पर आपके पास अपॉर्चुनिटी ये निकल के आती है कि आप हेल्दी फूड सर्व कर सकते हैं, हेल्दी ब्रेकफास्ट सर्व कर सकते हैं। बट यहां पर लोगों को प्रॉब्लम आती है कि भैया मैं रोड पर जाकर करूंगा तो मैं कैसे बनाऊंगा, वहां पर मैं इतना कुछ नहीं करना चाहता। सो अगर आपके पास एक स्कूटी भी है ना तब भी आप कर सकते हो। देखो, आपको एक फोल्डेबल टेबल लेना है, फोल्डिंग टेबल आपको 1500 रुपए के आसपास मिल जाएगा। आप बस अपनी स्कूटी के आगे उसको रखिए और अपनी स्कूटी में आपको 3 हॉटकेस रखने हैं। और अगर आपके पास छोटी मोटी गाड़ी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास स्कूटी भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं है, तो फिर आप ऑटो बुक करके भी ले सकते हैं। पूरे आपको जितनी दूर भी जाना है 100 रुपए 150 रुपए ऑटो वाला लेगा और आपका काम हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको सुबह जल्दी उठना है और आपको 3 से 4 चीजें बनानी है जो कि हेल्दी ब्रेकफास्ट में आती हैं। सबसे पहला पोहा, इसके अलावा आप साबूदाना खिचड़ी बना लो, इसके अलावा आप उपमा बना सकते हो, इसके अलावा आप दलिया बना सकते हो और इसके अलावा आप क्या बना सकते हो, हलवा बना सकते हो सूजी वाला। तो ये कुछ लोग ना, जैसे कुछ लोग क्या है, नमकीन नहीं खाना पसंद करते, जिनको मीठा पसंद है तो वो दलिया या हलवा खा सकते हैं आपसे सूजी वाला। और जिनको नमकीन कुछ चाहिए, अच्छा कुछ चाहिए ब्रेकफास्ट में, लाइट चाहिए, तो वो पोहा ले सकते हैं आपसे, उपमा ले सकते हैं या साबूदाने की खिचड़ी ले सकते हैं। ये 4-5 चीजों में से आपको जो समझ में आती है, 2-3 चीजें आप वो बना लो। सुबह आपने बनाया, आपने 50-50 प्लेट बना ली या 20-25 प्लेट बना ली, जितनी आप बनाना चाहते हैं उतना आपने बना लिया और बनाने के बाद इन हॉट केसेस में डाला। और हॉट केसेस में डालने के बाद सीधा आप ले गए किसी भी ऑफिस के बाहर, किसी भी हॉस्पिटल
होटल के बाहर, ये कुछ जगहें होती हैं जहां पर ये आराम से बिकेगा। आपको एक चीज मैं यहां पर और बता दूं, देखो जब आप नए हो, आपने बस जाकर टेबल लगाया और हॉट केसेस रख लिए, तो आप वहां पर खड़े हो तो लोगों को पता नहीं चलेगा आप क्या बेच रहे हो। तो वहां पर आपको एक स्टैंडी बनवानी पड़ेगी, फोल्डिंग वाली स्टैंडी आप बना लो, जिसको आप रोल डाउन और रोल अप हो जाती है वो, तो रोल अप वाली स्टैंडी को जैसे आप ऊपर करके लगा दोगे, वहां पर आप लिख दो हेल्दी ब्रेकफास्ट बड़ा बड़ा और प्राइस मेंशन कर दो। ये जरूर करा करो। देखो आप ना बहुत ऊंचे लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए काम मत करो, क्योंकि अभी आप हो रोड साइड पर। यहां पर लोग वो होते हैं जिनको प्राइस बहुत ज्यादा मैटर करता है, जिनके लिए, जिनको मतलब वो खाने से पहले प्राइस देखते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने से जा रहे हैं आपके, उनको दिख रहा है कि आप कुछ बेच रहे हो, लेकिन वो ये सोचकर नहीं आएंगे पता नहीं कितने का होगा, छोड़ यार। तो इसलिए उन लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, आपने जो स्टैंडी बनाई उसमें आप पोहे की प्लेट बनाओ और सीधा लिख दो 30 रुपीज। नीचे आपने साबूदाना खिचड़ी लिखी 30 रुपीज, ठीक है। आपने लिख दिया सूजी हलवा 30 रुपीज, ठीक है। आपने दलिया लिख दिया 30 रुपीज। इस तरीके से आपने बड़ा बड़ा बाउल्स और सुंदर तरीके से उसको बना के टेम्पटिंग था, और वहां पर आपने प्राइजेस को मैंशन कर दिया और आप खड़े होंगे टेबल के पास में। कुछ नहीं करना, कस्टमर आया भैया 2 प्लेट पोहा, आपने बस प्लेट में पोहा डाला और चम्मच के साथ सर्व कर दिया। आपके एरिया में किस तरीके का पोहा चलता है, किस तरीके की साबूदाना खिचड़ी चलती है, किस तरीके का हलवा लोग खाना पसंद करते हैं, ये आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर पता होगा। सो उस तरीके का आपको बनाना है। और अगर आपको लगता है कि यार उपमा के साथ में आपको वाइट छोले या आप काले चने देना चाहते हो, तो वो भी आप ग्रेवी वाले बना सकते हो। आपको लगता है पोहे में आपको पोहे के साथ में ग्रेवी देनी है, छोले देने या चने देने, वो भी आप रख सकते हो। तो ये आप देख लो, आपको मतलब घर पे सब कुछ बनाना है, वहां पर ले जाकर बस आपको स्टैंडी रोल अप करनी है और वहां पर खड़े हो जाना दोनों हॉट केसेस के साथ में। कस्टमर आया, आपने दिया और आप अच्छा पैसा इसमें मंगा सकते हैं। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, एक जो 30 रुपीज का पोहे की प्लेट मैं आपको बता रहा हूं ना, कंप्लीट रिसर्च के बाद मैं आपको बता रहा हूं 10 से 11 रुपए की पड़ेगी, अच्छी क्वालिटी की, अगर आप बनाकर तैयार कर रहे हैं। जो 30 रुपए की बेच रहे हैं तो भाई आपको 18 से 19 रुपए बच रहे हैं एक प्लेट में। और अमूमन आप अगर 50 प्लेट बेचते हैं पोहे की, 50 प्लेट बेचते हैं उपमा की, और 50 प्लेट बेच देते हैं आप दलिये की या हलवे की, तो आप यहां पर आराम के साथ में 3-4 हजार रुपए कमा सकते हैं बड़े आराम से एक दिन में। बट डिपेंड करता है कि आपको ये बेचना आना चाहिए। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, लोकेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है, एंड लोकेशन से ज्यादा यहां पर छोटी सी मार्केटिंग जो मैंने आपको बताई है कि आप जहां पर बेच रहे हैं उन लोगों को समझ में आना चाहिए, उन लोगों को पता चलना चाहिए, तो उसके लिए आपको स्टैंडी चाहिए। एक और चीज आप देखो कहां पर लगा सकते हो, किसी भी रेलवे स्टेशन के बाहर, किसी भी बस स्टैंड के पास में, किसी भी हॉस्पिटल के बाहर, या फिर किसी भी कॉर्पोरेट ऑफिस के बाहर। ये 4 जगह में से एक जगह चूज कर लो, आप लगा लो। अगर नहीं चला तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं कोशिश करूंगा आपके पास आने की और मैं देखूंगा क्यों नहीं चल पा रहा। भाई आराम से चलेगा यार। और ये स्टैंडी जरूर लगाना, अगर ये छोटी छोटी गलती आपने करी, स्टैंडी नहीं लगाई, फिर आप मेरे पास आकर कमेंट करते हो कि भैया नहीं चल पा रहा, सो फिर मैं आपको इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब राह चलते किसी को नहीं पता कि आप क्या बेच रहे हो, तो इसलिए वो स्टैंडी आपकी मदद करेगी, क्योंकि आप चिल्ला तो रहे नहीं हो पोहे पोहे पोहे, ये तो आप नहीं करने वाले हो, है ना। आप स्टैंडर्ड से काम करो, अपने टेबल को, फोल्डिंग टेबल को खोला आपने, बस वो लगाए, अच्छा सा कपड़ा बिछाया, अपने बाउल्स को सजा लिया आराम से। जब आपका ये काम चलने लग जाए और आपको ये पता चल जाए कि हाँ मैं कर सकता हूं, और आप अपने अंदर के आदमी को पहचान पाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं 5 लाख 10 लाख रुपए लगा दिए और उसके बाद उनको 2 महीने बाद समझ में आता है कि ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है और वो पैसा मट्टी हो जाता है। तो यहां पर 10-15 हजार रुपए में आपका कुछ नहीं जाएगा, एक एक्सपीरियंस मिलेगा। सड़क पर खड़े होने के बाद 10 लोगों से जब आप मिलोगे, 10 लोगों की बातें सुनोगे, आपका माइंड खुल जाएगा कि आपको पता चलेगा यार धंधे में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। छोटी छोटी प्रॉब्लम जब आपको स्टार्टिंग में समझ में आएंगी, जब आप धंधे को बड़ा करोगे फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपको बेस पता होगा, बेसिक्स पता होंगे। सो इस चीज का ध्यान रखो। तो किसी भी काम को करने से पहले अगर आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेते हैं, चाहे उसके लिए आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, मैं कहूंगा कि ये बहुत अच्छी बात है। लाखों का इन्वेस्टमेंट करके उसको बर्बाद करने से अच्छा है आप छोटी सी पूंजी लगाइए, सीखिए और उसके बाद अपने बिजनेस को ग्रो कर उसी को बड़ा करिए, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना ही आपका नुकसान होगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, इस तरीके के हॉट केसेस आपको अमेजोन से मिल जाएंगे, मैं भी ये आपको अमेजोन से ही दिखा रहा हूं। इसके अलावा आप इंडिया मार्ट से ले सकते हैं, इंडिया मार्ट में आपको रीजनेबल प्राइस पे मिल जाएगा एंड आपको बहुत ज्यादा रेंज मिल जाएगी। सो जो आपको सही हो, जिस साइज का आपके लिए सही हो, आप इंडिया मार्ट से डायरेक्टली सप्लायर्स को कॉन्टेक्ट करके खरीद सकते हैं। एंड फूड वार्मर्स दोस्तों काफी हल्की क्वालिटी के भी आते हैं, प्लीज आप उसको मत खरीदना, क्योंकि वो आपको सस्ते मिल तो जाएंगे लेकिन वो आपके खाने को बहुत टाइम तक ठंडा या गर्म नहीं रख पाएंगे। मतलब अगर आप दही रखते हैं, रायता रखते हैं, सो वो उसको लॉन्ग टाइम तक ठंडा नहीं रख पाएंगे। इनफैक्ट अगर आप कोई गर्म आइटम रखते हैं, गर्म फूड रखते हैं, तो वो भी लॉन्ग टाइम तक वो गर्म नहीं रख पाएंगे। सो इस चीज का बहुत ज्यादा आप ध्यान दीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, ये सिंपल सा वीडियो है, सिंपल सा बिजनेस आइडिया है। जिन लोगों को शर्म आती है, जिन लोगों को डर लगता है, जिन लोगों को करना तो है लेकिन वो कर नहीं पा रहे, शुरू नहीं कर पा रहे, आप ये एक काम कर लो, आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहां स्टैंड करते हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगली एक प्रॉफिटेबल बिजनेस वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।